आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये होने वाला है बहुत ही प्यारे से कुर्ती एंड कुर्ता सेट का हॉल वीडियो। मोस्टली सारे कुर्ता सेट हैं और सबसे अच्छी बात है ये सभी है पार्टी वेयर, फेस्टिव वेयर, वो भी अंडर 500। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बजट फ्रेंडली कुर्ता सेट शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स है जो कॉमेंट करते हैं कि दी हमारा बजट इतना नहीं है या फिर हमें अंडर 500 ही चाहिए। तो आज मैं आपके साथ कुछ फेस्टिव वेयर कुर्ता सेट के ऑप्शन शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप अपकमिंग फेस्टिवल और रक्षाबंधन पे स्टाइल कर सकते हैं, वो भी बजट फ्रेंडली अंडर 500। सभी की क्वालिटी बहुत अच्छी आई है और आपको वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। साथ में ये सभी है अमेजोन से और अमेजोन पे अभी सेल चल रही है, जो कि 6 अगस्त को लाइव हो गई थी और ये 11 अगस्त तक सेल है। और ये है ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल, इसमें आपको 50-80% ऑफ मिल रहा है टॉप ब्रांड्स पे, 1500+ टॉप ब्रांड्स में। साथ में आपको 4 लाख+ स्टाइल्स पे आपको ग्रेट डील्स देखने को मिल जाएगी। तो ये बेस्ट टाइम है अगर आप कुछ भी परचेज करते हैं, काफी अफोर्डेबल भी है और बजट फ्रेंडली भी है। तो सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप इन्हें बाय कर लेना। एक सिंगल लिंक मिल जाएगा माई हॉल स्टोर के नाम से, उस सिंगल लिंक पे क्लिक करके भी कंप्लीट कलेक्शन आप परचेज कर सकते हैं एक ही लिंक पे क्लिक करके। साथ में गाइस सेल के बारे में डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हॉल वीडियो। तो फर्स्ट कुर्ता सेट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मिला है मुझे ग्रीन कलर में, डार्क ग्रीन कलर है। थोड़ा सा ना आपको ये कलर थोड़ा फ्लैक्चुएट होता हुआ दिखेगा, कि ग्रीन कैमरे में थोड़ा ब्लू लगता है, लेकिन ये प्रॉपर ग्रीन कलर में है। मैं आपको इमेज डाल दूंगी साइड में, बिल्कुल वैसा ये वाला आपको सूट देखने को मिल जाएगा। फैब्रिक की मैं बात करती हूँ तो काफी अच्छा इसका सिल्क फैब्रिक है, प्रीमियम फैब्रिक लग रहा है मुझे अंडर 500 में। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कुर्ता बताती हूँ, जो कि आपको इस तरीके का कुर्ता देखने को मिल जाएगा। बॉट नेक इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, साथ में जो आप ये देख रहे हो ना, ये गोटे की लेस दी हुई है। बिल्कुल प्लेन है, सिंपल है, सोबर है, लेकिन पहनने में काफी अच्छा लग रहा है। इसमें आपको इस तरीके की 3/4 स्लीव्स देखने को मिल जाएगी, स्लीव्स पे भी सेम लेस लगाई हुई है। तो अगर आपका बजट इतना है ना, तो आप ये वाला कुर्ता सेट बाय कर सकती हो, काफी प्रीमियम है, 500 के अकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। सेल में मिल रहा है 500 में भी, हो सकता है इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा हो, तो अभी आप सेल में ही बाय कर लेना। इसमें आपको स्ट्रेट फिटिंग देखने को मिल जाएगा और साथ में मैंने जो ब्रांड है इसका जन्यासा, और साथ में मैंने जो साइज परचेज किया है वो है मीडियम। आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके का कुर्ता आया है, साथ में ना इसमें जो कंट्रास्ट में पैंट दी हुई है ना, वो इन्होंने गोल्डन चीटी कलर की इसमें पैंट रखी है, कंट्रास्ट पैंट इसमें रखा हुआ है। चाहो तो आपने इसमें दुपट्टा नहीं आया है, दुपट्टा अपनी तरफ से आप एड ऑन कर सकते हो, अगर आपके पास कोई भी गोल्डन कलर का दुपट्टा है ना, उसके साथ आप इसे स्टाइल कर लेना और लुक अच्छा हो जाएगा, अगर आपको थोड़ा हैवी लुक चाहिए तो। तो इस तरीके की इलास्टिक वाली पैंट है, जो कि सिल्क फैब्रिक में ही इन्होंने दी हुई है। तो ये है जो फर्स्ट कुर्ता सेट मैं आपको रिकमेंड करूंगी यार, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। अगर आप इसे स्टाइल करते हो हैवी ज्वेलरी के साथ, दुपट्टे के साथ, तो इस रक्षाबंधन पे आप इसे स्टाइल कर सकते हो, बहुत अच्छा लुक आएगा। अब नेक्स्ट जो आते हैं वो भी सेम ब्रांड से है, जन्यासा से ही। जन्यासा की कुर्ती एंड कुर्ता सेट यार मैं लॉन्ग टाइम से पहन रही हूँ, लेकिन कभी भी आज तक मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई है। और ये इस तरीके की कुर्ती एंड पैंट का सेट आया है। सबसे पहले तो मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, इसका कलर लाइट बेबी पिंक कलर है, जो कि काफी सुंदर लग रहा है। और इसमें मैं आपको पूरे में गोल्डन फॉइल प्रिंट देखने को मिल जाएगा, ये आप देख रहे हो ना, और आप शाइन देखो इसकी, कितने अच्छे से शाइन कर रहा है, बहुत प्यारा है ये वाला सूट। अभी सेल में ये अंडर 500 मिल रहा है, तो आप परचेज कर सकते हो। साथ में राउंड नेक है, 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स पे भी आपको सेम गोल्डन ये जो है देखने को मिल जाएगा फॉइल प्रिंट, बैक प्लेन है। बाकी पहनने के बाद आप एक बार लुक देखना यार, बहुत प्यारा है। अगर आपके पास सिंपल है ना कोई बेबी पिंक कलर का नेट का दुपट्टा हो, या फिर अगर आपके पास गोल्डन कलर का बिल्कुल सिंपल सा नेट का दुपट्टा हो, वो आप इसके साथ स्टाइल कर लेना चाहो तो, नहीं तो ओनली कुर्ता और पैंट सेट भी बहुत प्यारा लुक दे रहे हैं। मीडियम साइज मैंने इसमें पिक किया है, साथ में सेम सिल्क में पैंट आई है, इलास्टिक वाली है इस तरीके की, और बेबी पिंक कलर में रियली बहुत अमेजिंग है। मैं इसको आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, चाहे कलर हो डिजाइन हो, मुझे दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं इसके। तो ये वाला कुर्ता सेट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया आज के कलेक्शन में, तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो। बात है नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया, थोड़े से मैंने ऐसे ट्राई नहीं किया था, लेकिन 3 है जो ब्लू कलर में है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर है पर ब्लू के ही शेड है सारे।
तो ये नेक्स्ट जो है ये बेबी नेक्स्ट जो है ये नेवी ब्लू कलर में है और ये बहुत ही प्यारी सी एक कुर्ती है, एक गाउन आप बोल सकते हो, कंप्लीट एक ड्रेस है। इसके साथ कोई भी बॉटम वगैरह नहीं दिया हुआ है और ये इस तरीके की आपको ये ड्रेस देखने को मिल जाएगी। आप ना इसे चाहो तो बेल्ट के साथ स्टाइल कर सकते हो, अगर आपके पास सिल्वर या गोल्डन कलर की बेल्ट हो तो उसके साथ आप इससे फुल लुक क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी स्टाइल कर सकते हो। दुपट्टा आप चाहो तो एड ऑन कर लो, बाकी मुझे नीड नहीं लग रही है दुपट्टा की। इसमें आपको राउंड नेक देखने को मिल जाएगी, इस तरीके की स्लीव्स है, ये हाफ स्लीव्स इसमें दी हुई है, 3/4 इसमें नहीं दी हुई है। साथ में आप देखोगे ना ये सिल्वर और गोल्डन फॉइल प्रिंट का मिक्स दिया हुआ है, प्रॉपर गोल्डन या सिल्वर ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके की ये पूरी जो है अनारकली कुर्ती है, क्रेप फैब्रिक है, क्रेप और सिल्क फैब्रिक इसमें मिक्स किया हुआ है और नीचे भी आपको इस तरीके का इसमें बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। तो एक बार फुल लुक आप साइड में देखना, मुझे तो ये ड्रेस सच में बहुत प्रिटी लगी है। क्वालिटी की मैं बात करती हूँ तो बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक है, अंडर 500 यार वर्थ इट है, डेफिनेटली इसे भी आप ले सकते हो। कलर वगैरह मुझे काफी अच्छा लगा और जो इसमें डिजाइन प्रिंट किया हुआ है ये भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये है जो मैंने नेक्स्ट पिक किया है और इसमें भी आप मैंने मीडियम साइज लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया है, वो भी एक कुर्ता सेट है और ये इस तरीके का कुर्ता सेट है। लुक एट दिस, आप कलर डिफरेंस देखो, वो नेवी ब्लू कलर में था और ये इस तरीके का कलर है जो कि टील कलर है ये, और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कुर्ता सेट। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कुर्ती बताती हूँ, इसमें आपको इस तरीके की स्ट्रेट फिटिंग में कुर्ती देखने को मिल जाएगी और नेक है इसमें, बोट नेक इसमें दिया हुआ है और ये जो फॉइल प्रिंट इसमें दिया हुआ है ना ये ऊपर नेक लाइन पे और स्लीव्स पे दिया हुआ है और इसकी स्लीव्स ना थोड़ी सी ऐसे ब्रॉड में है, ऐसा भी नहीं बोल सकते, थोड़ी फ्लेयर वाली है, ओनली हल्की सी ब्रॉड लुक आ रहा है तो काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। और इसमें मैंने मीडियम साइज लिया है। फैब्रिक की मैं बात कर रही थी तो क्रेप फैब्रिक में है ये भी, बैक ना बिल्कुल प्लेन आएगा। साथ में इसमें पैंट दी हुई है जो कि इलास्टिक वाली इस तरीके की पैंट है। लुक एट दिस, पैंट कम प्लाजो आप बोल सकते हो, ये ज्यादा ब्रॉड नहीं है और इस तरीके का ना नीचे भी इसमें डिजाइन दिया हुआ है, जैसा ऊपर कुर्ते में दिया हुआ है ना वैसा नीचे पैंट में भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। साथ में दुपट्टा नहीं आया है, हाँ ओनली कुर्ता और पैंट सेट है जो कि मुझे ये काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा है। आप चाहो तो गोल्डन कलर का दुपट्टा इसके साथ एड ऑन कर सकते हो, काफी अच्छा लुक आएगा। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने बाय किया है अंडर 500, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि मैंने ग्रीन कलर में लिया है, ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो पैरेट ग्रीन कलर है और इसमें ना एक ड्रेस भी अंडर 500 अवेलेबल थी लेकिन ना मुझे ये वाला ज्यादा प्रिटी लग रहा था, ये जो इन्होंने इसमें पैटर्न दिया हुआ है काफी अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कुर्ता सेट, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, अंदर आपको ना इसमें थोड़ा शीप पैटर्न में है, जब आप देखोगे ना हल्का सा ट्रांसपेरेंट है, हल्का सा बिल्कुल। तो इसमें है ना इन्होंने अंदर है ना एक टॉप दी हुई है जो कि आपको इस तरीके की स्ट्रैपी शोल्डर में टॉप देखने को मिल जाएगी, एडजस्टेबल है, इसे आप पहन सकते हो अंदर। साथ में फिर ऊपर से आपको इसमें कुर्ता पहनना है जो कि पूरा फॉइल प्रिंट में स्ट्रेट फिटिंग में इस तरीके का एक पूरा कुर्ता है, डिफरेंट है लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा है, क्लासी पैटर्न मुझे लग रहा है। 3/4 स्लीव्स है, पूरे में आप देखोगे राउंड नेक है और पूरा इस तरीके का आपको दुपट्टा देखने कुर्ता देखने को मिल जाएगा। फॉयल प्रिंट आप देखो, क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, कलर बहुत प्रिटी लग रहा है और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ट्रांसपेरेंट ही है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट है। और इसके मैं फैब्रिक की बात करती हूँ तो ये भी क्रेप फैब्रिक में है, साथ में नीचे आपको इस तरीके का बॉटम देखने को मिल जाएगा जो कि इस तरीके का इन्होंने बॉटम दिया हुआ है, स्ट्रेट फिटिंग में इस तरीके की आपको ये पैंट देखने को मिल जाएगी, इलास्टिक वाली पैंट है, पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी और इसमें मैंने मीडियम साइज लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के ले सकते हो, बाकी काफी क्लासी एंड डिफरेंट पैटर्न है, आप डेफिनेटली ट्राई करना। और अब जो नेक्स्ट लास्ट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी टील ब्लू कलर में है और ये भी मुझे बहुत ही प्यारा सा डिफरेंट सा कुर्ता सेट लग रहा था। सबसे पहले मैं आपको इसका कुर्ता बताती हूँ जो कि आपको इस तरीके का इसमें कुर्ता देखने को मिल जाएगा, ये आप पैटर्न देख रहे हो ना ये बिल्कुल डिफरेंट है और इसमें आपको 3/4 स्लीव्स देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा लेस लगाई हुई है और इसमें भी आपको राउंड नेक देखने को मिल जाती है, इस तरीके का स्ट्रेट फिटिंग में ये कुर्ती है, नीचे भी आपको सेम इस तरीके की इसमें लेस देखने को मिल जाएगी।
काफी अच्छा है, मीडियम साइज मैंने इसमें पिक किया है और साथ में इसमें जो पैंट आएगी वो ही सेम इलास्टिक वाली प्लेन आपको पैंट देखने को मिल जाएगी। तो गाइस ये थे ना मैंने 5 to 6 कुर्ता सेट आपके साथ शेयर किए हैं जो कि अंडर 500 है, बजट फ्रेंडली है और अभी सेल में आपको अंडर 500 मिल रहा है। मे बी शायद इनकी प्राइस ऑब्वियसली ज्यादा है तो आप सेल में इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो सेल के बारे में डिटेल है ना आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इन सभी के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इन्हें बाय कर लेना। एंड वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है विद बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएंगे, आपसे मेरी वीडियो मिस नहीं होगी। साथ में अगर आपको कुर्ती एंड कुर्ता सेट का कलेक्शन पसंद आया हो तो कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।